सात नवंबर 2021 को युवावर्षात्री संत मणि आश्रम में हिरण विज्ञान हेतु स्नेह समारोह रखा गया है, जिसमें आप सभी महानुभावों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधार कर कार्य की शोभा बढ़ाई। धन्यवाद। 11 फरवरी 2021 को लोहा उठ के परिक्षेत्र के समस्त शिक्षकों ने मिल करके एक विचार तय किया, अपने यहाँ जो है ओरण के अंदर हिरण अभ्यारण्य का शुभारम्भ किया। उसी दिन से सभी शिक्षक बंधुओं और समाज के बंधुओं ने मिल करके इस हिरण उद्यान के लिए एक जमीन जो एक्वायर की है, ये लगभग 100 बीघा है और ये जो पुल दीवार बनेगी लगभग 3 किलोमीटर की लंबाई की बनेगी। ये प्रति फुट लगभग मतलब है 1100-1200 रुपये खर्चे से ये बनेगी और इसमें इस प्रोजेक्ट के अंदर लगभग जो है 1.5-2 करोड़ रुपये की लागत आएगी। बाद में जो है अंदर के अंदर जो है हिरणों के लिए हरा घास की व्यवस्था की जाएगी, तालाब की व्यवस्था की जाएगी, ट्यूबवेल की भी व्यवस्था इसमें की जाएगी और 3 से 7 में खेली है, होज है, इस तरह की व्यवस्था भी इसमें की जाएगी। हिरण अभ्यारण्य के लिए आगामी 7 तारीख रविवार को दीपावली शनिवार सम्मेलन रखा गया है, जिसमें हमारे वरिष्ठ भामाशाहों को और शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारी और विधायक महोदय को बुलाया गया और समाज समारोह रखा गया, जिसमें इस हरण उद्यान के लिए आर्थिक सहयोग के लिए धन की इकट्ठा किया जाएगा और इसको मूर्त रूप दिया जाएगा।